2005 में एचआईवी की हेल्पलाइन को लेके, जब इंसान को एचआईवी के बारे में कहाँ पूछना, सही जानकारी कहाँ लेना पता नहीं था, तब हमने ये हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। और आज 15 सालों में हमने 2 लाख 60 हज़ार कॉल से भी ज़्यादा लिए हैं। उसके बाद हमने एडिक्शंस में काम शुरू किया, और अब जब कोरोना की बीमारी हम सबके सामने है, तो हमने इसमें हमारा भी क्या रोल हो सकता है, इसलिए हमने ये लेक्चर्स भी शुरू किए हैं। तो शुरू करते हैं, पर शुरू करने के पहले मैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में हमारा सबसे पूर्व महत्वपूर्ण जिसकी मदद है, मैं वाइट कोर के मिस्टर घनश्याम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक हमने यहाँ यू लिखा है, आई एम सेफ, यू आर सेफ, ऑल आर सेफ। इसका क्या मतलब होता है, आइए इस लेक्चर में जानने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि आज दुनिया भर में कितने नंबर्स हैं, इंडिया में कितने नंबर्स हैं। अभी 2 घंटे पहले की फिगर्स अगर हम देखते हैं, तो दुनिया भर में 72 लाख पीपल आर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, और उसमें से 4 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पर ठीक होने वालों की संख्या बहुत ही अच्छी है, ऑलमोस्ट 98% पीपल आर गेटिंग वेल। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो जिन्हें हम बचा नहीं पा रहे हैं। और अगर भारत में देखें तो 2 घंटे पहले के फिगर्स हमें बताते हैं कि हमारी संख्या 2 लाख 60 हज़ार से भी ऊपर चली गई है, और हम लोगों ने इस बीमारी को की वजह से 7,400 लोग खो चुके हैं हम लोग, और हमारी मृत्यु दर कोरोना को लेके 5% है, जो दुनिया की मृत्यु दर से ज़्यादा है। भारत में कितने केसेस हैं? भारत की जनसंख्या है 1.3 बिलियन, बट वी आर जस्ट हैविंग 3.7% ऑफ द कोविड केसेस ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। एज अगेंस्ट दिस, अगर हम अमेरिका की बात करें, तो ऑलमोस्ट 28% कोरोना के केसेस अमेरिका में है। रशिया में ऑलमोस्ट 7% केसेस है, ब्राजील में ऑलमोस्ट 10% केसेस है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो अब तक इंडिया ने बुरा नहीं किया है, वी आर स्टिल गुड। पर चिंता की बात अभी है। अगर हम लोग मार्च की शुरुआत में केसेस देखें, तो एक केस से 50,000 केस होने में हमें ऑलमोस्ट 100 दिन लगे थे, और आज की स्थिति में यही केसेस 5 दिन में 50,000 बढ़ रहे हैं, दिन में 10-10 हज़ार केसेस बढ़ रहे हैं। तो यह हमें चिंता की बात है। ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव बीन डूइंग मच बेटर टिल नाउ। अब तक हमने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना को लेके, पर भी हमें ध्यान रखना है। वी एक्टेड फास्ट, अ गवर्नमेंट एक्टेड फास्ट, हमने लॉकडाउन जल्दी कर दिया। इसकी वजह से हमें कोरोना के विरुद्ध जो हमें अपना हेल्थ स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके लिए हमें वक्त मिला। पर क्या ये नंबर्स मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? भली 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में ये नंबर्स मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? मायने रखते हैं एक ही चीज के लिए, क्या मैं इस नंबर में, मेरा नंबर है क्या? क्या मैं बाधित हुई क्या? और अगर नहीं हुई हूं, तो फिर क्या मैं अपने आप को बचा सकती हूँ ताकि मैं उसमें अपना एक नंबर ना लगा दूं? क्योंकि मैं उस नंबर में आ जाती हूँ तो मेरी वजह से शायद मैं और लोगों को भी इससे बाधित कर सकती हूँ, जो मुझे नहीं करना है। नहीं करना है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए और मेरे देश के लिए। और ये मेरे बस में है, मुझे कोरोना होगा या नहीं होगा ये मेरे बस में है, क्योंकि हमें काफी चीजें ऐसी पता है जो हम करेंगे तो हम इसे रोक सकते हैं, थाम सकते हैं। लॉकडाउन करना गवर्नमेंट का काम था, और हमने उनका साथ भी दिया। हम लोग घर बैठे रहे ऑलमोस्ट 2.5 महीने तक। अब अनलॉक हो गया है, अब शायद गवर्नमेंट से ज्यादा भी हमारा काम है। हमें देखना है कि नंबर्स ना बढ़े, हमें देखना है कि लोग कोरोना से ना मरे। चलो जानिए बेसिक्स, जो मुझे पता होना चाहिए कोरोना के बारे में, कि जिस जानकारी को लेके
मैं अपने आप को भी बचा पाऊं और दूसरों को भी बचा पाऊं। आप लोगों को पता है कोरोना कैसा कैसे फैलता है। जब किसी इंसान को कोरोना का विषाणु उनके शरीर में चला जाता है तो उनकी सांस में उनकी जब उनको खांसी आती है या उन्हें छींक आती है तो उनके मुंह से जो थूक के छोटे छोटे टुकड़े हवा में जाते हैं वो हम देख रहे थे कि छोटे छोटे टुकड़े जो हवा में जाते हैं ये या तो हवा में रह के किसी जो इंसान उसके 6 फीट के अंदर जो इंसान आता है उस तक वो डायरेक्ट जा सकता है या वो जो हमारी थूक है वो जमीन पे गिर के या किसी टेबल पे गिर के या किसी रेलिंग पे गिर के वहां रह सकता है। और हमारा हाथ अगर वहां लगे और वही हाथ हमारे मुंह पे हमारी आंखों में या हमारे नाक पे लगे तो ये वायरस हमारे शरीर में जाके हमें ये वापस हमारे शरीर में जा सकता है। तो ये डायरेक्ट इंसान टू इंसान की तरफ जा सकता है या इंसान से किसी सरफेस पे और सरफेस से लेके वापस इंसान तक ये जा सकता है। तो हमें ये देखना है इस साइकिल को हम कैसा ब्रेक करें। तो सोर्स यानी जिसको कोरोना की बाधा हो चुकी है उस इंसान ने क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद को आइसोलेट करना चाहिए। जब उसे पता है कि उसे सिम्टम्स है या उसके टेस्ट पॉजिटिव आ चुकी है तो उसे अपने आप को दूसरों से अलग रखना चाहिए। हो सके तो अपनी टेस्ट करनी चाहिए अगर डॉक्टर बताए तो। सबसे इम्पोर्टेंट मास्क पहनना चाहिए। घर में है तो भी मास्क पहनना चाहिए, बाहर जाए तो मास्क पहनना चाहिए। रेस्पिरेटरी हाइजीन, इसके बारे में हम विस्तार से अगली स्लाइड्स में देखेंगे, यानी खांसी और छींक आते वक्त हमने क्या करना चाहिए। और उसके बाद हाथों की हाइजीन, यानी हाथ धोते वक्त हमने क्या करना चाहिए और हाथ साफ कैसे करने चाहिए। ये रहा कि किसी बाधित व्यक्ति ने क्या ख्याल रखना चाहिए। वही बाधित व्यक्ति की थूक से अगर वो हवा में है और किसी सरफेस पे है और हमारे शरीर में उसकी एंट्री हमें रोकनी है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी इंसान के नजदीक हम ना आए, यानी हम लोग वैसी जगह टाले जहां पे हाँ भीड़ हो, जो जगह क्लोज्ड हो, जहां पे खुली हवा ना बहती हो, जो जगह ऐसी हो कि जहां पे हम इंसान से 6 फीट की दूरी ना बना सके। अगर हम ये करेंगे तो शायद हमें वो वायरस अगर हवा में भी है 6 फीट के अंदर है तो भी हमारे शरीर में नहीं जाएगा। और ये सब करने के लिए हमारे साथ साथ में हमें मास्क भी पहनना जरूरी है, हैंड हाइजीन यानी हाथों की सफाई भी जरूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें हमारे हाथ हमारे चेहरे से दूर रखने हैं। समझो ऐसे हुआ कि कितनी भी खबरदारी ली पर हमारे शरीर में ये वायरस चला भी गया, तो चले जाने के बाद मैं क्या ऐसे कर सकती हूँ कि इसकी बीमारी मुझे ना हो। वायरस अंदर गया है लेकिन इसकी बीमारी मुझे ना हो, इसके लिए मुझे अपनी इम्यूनिटी बनाए रखनी है। डाइट, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, विटामिन डी, इसके बारे में हम लोग प्रश्न उत्तर में और भी जवाब देंगे, लेकिन इम्यूनिटी मेरी अच्छी रहेगी तो मैं इस बीमारी से अच्छी तरह फाइट कर पाऊंगी, मुझे में ये सीवियर नहीं होगा। ये है हमें ब्रेक द साइकिल। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है SMS. S का मतलब है सेफ डिस्टेंसिंग, M का मतलब है मास्क और S का मतलब है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन ऑफ द हैंड्स, सैनिटाइजेशन ऑफ द सर्फेसेस। When should I suspect कोरोना? मुझे कब पता चले कि अब मुझे आइसोलेट करना है अपने आप को, मुझे कोरोना हुआ है, मुझे किन सिम्टम्स से पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना है ये चीजों के लिए, बुखार आ रहा है क्या, खांसी आ रही है क्या, क्या मुझे बहुत जोरों से सर दर्द हो रहा है या बॉडी एक यानी शरीर में दर्द हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है क्या,
उल्टी मल मतलब जी मचलाना, दस्त होना, नाक से पानी आना, गले में दर्द होना, छींके आना, ये सब चीजें। और एक और ऐसा सिम्टम है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कोरोना होने के बाद कुछ दिनों में हमें जल्दी पता चलता है, वो है हमें किसी भी चीज की सुगंध नहीं आना, किसी भी चीज का स्मेल नहीं आना, और हमारे जबान का टेस्ट बदल जाना। हमें कुछ खा रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या खा रहे हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर हमें हो तो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर दें, लोगों से अलग रखें, हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन करें, या आपके स्टेट में जो भी हेल्पलाइन है उस हेल्पलाइन को फोन कीजिए। किसी डॉक्टर के यहाँ, नजदीक के डॉक्टर के यहाँ बिना अपॉइंटमेंट लिए उनके क्लिनिक में ना जाए, क्योंकि अगर हमें है तो हमारी वजह से क्लिनिक में आए हुए बाकी पेशेंट्स को भी हम धोखा दे सकते हैं, हमारी वजह से धोखा हो सकता है और डॉक्टर को भी। तो फोन कीजिए और डॉक्टर से पूछिए कि ये सिम्टम्स है तो मैं क्या करूं, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को अलग रखिए। एक बात अच्छी है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे, उनको सिम्टम्स या तो आते ही नहीं है या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी सिर्फ अगर बुखार आएगा, थोड़ा सा कफ होगा, गले में थोड़ा दर्द होगा, नाक से पानी आएगा और बॉडी एक होगा, इतने ही सिम्टम्स में ये ठीक हो जाता है। उसको आगे जाके उसे सांस में तकलीफ होना, निमोनिया होना, ये चीजें नहीं होती है। 20% पॉपुलेशन में ये हो सकता है। अगर मुझे कोरोना का सिम्टम्स आ जाते हैं तो मुझे कब ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, किसको ज्यादा रिस्क है कि सीवियर केसेस उनमें हो? सबसे पहले अगर मेरी उम्र 50 के ऊपर है, बाकी देशों में बोलते हैं कि 60-65 के ऊपर हो तो हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इंडिया में हमने देखा है 50 के ऊपर भी सीवियर केसेस हो रहे हैं। अगर मेरा वजन ज्यादा है, अगर मुझे ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, मेरी हार्ट की डिजीज है जो कंट्रोल नहीं है, किडनी की डिजीज है, मुझे अस्थमा है, कैंसर है, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट की, कोई मुझे अगर किसी ने ऑर्गेन ट्रांसप्लांट किया हुआ है मैंने, मुझे HIV TB की बीमारी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ या करती हूँ, ये कुछ भी हो तो हमें अपना ज्यादा ख्याल रखना है। हमें देखना है कि हमारे नजदीक कोरोना ना आए। हमें कैसा पता चलेगा कि मैं जिससे मिली हूं और उसे अगर कोरोना है, लेकिन उससे मिलना मेरा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, यानी अगर मैं किसी इंसान के नजदीक आती हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं हमेशा नजदीक आती हूँ तो मुझे रिस्क है। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मैं कितनी देर उसके साथ रहती हूँ, कितने नजदीक उसके साथ रहती हूँ, और वो इंसान कितना बीमार है, उसे कोरोना की बीमारी कितनी हुई है, कितनी ज्यादा हुई है। तो अगर मेरे घर में कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है और मैं उसकी सेवा करती हूँ बिना कोई प्रोटेक्शन यूज किए, तो मुझे ये हाई रिस्क एक्सपोजर है। अगर मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं जहाँ पढ़ने जाती हूँ, जिस घर में मैं जाती हूँ, जिस माहौल में मैं जाती हूँ, अगर वहाँ पे क्लोज एटमॉस्फेयर है, यानी बंद जगह है, खुली हवा नहीं बह रही है वहाँ पे, तब अगर मुझे मैं उस वातावरण में उसके साथ आती हूँ तो मुझे कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं किसी के साथ ट्रैवल करती हूँ, बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, टेम्पो में, कार में, और वहाँ पे मैं 2 मीटर की दूरी नहीं बना पा रही हूँ उस इंसान से जिसे कोरोना होने की चांसेस है, तब मुझे रिस्क ज़्यादा है। अगर और पता, ये प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट 80% पीपल, 50-60% पीपल में कोई सिम्टम्स होते नहीं है। इंसान अच्छा दिख रहा होता है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं है, वो घूम रहा है, पर उसे कोरोना का वायरस उसके शरीर में हो सकता है और वो फैला सक रहा होता है, उसे कैरियर बोलते हैं, वो बाकी लोगों को फैला सकता है। और ये फैलाना अगर हमें रोकना है तो हमें 3C का ख्याल रखना है। वी शुड अवॉइड क्लोज प्लेसेस, we should avoid crowded places, we should avoid close contact. और हमारा contact किसी से भी 10 से 15 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि इस टाइम के बाद हमारा जितनी वक्त हमारा contact बढ़ता रहता है उतना कोरोना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। What if I come in close contact with a corona positive person? अगर किसी कोरोना बाधित व्यक्ति के क्लोज कॉन्टैक्ट में मैं आ चुका हूँ तो क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो डरिए मत। जैसे हमने देखा है ऑलमोस्ट 80% लोगों को कुछ नहीं होता है,
सिंपल फ्लू जैसे इलनेस होके वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 50 to 55 की एज के ऊपर हैं और अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है तो आपको ज्यादा ध्यान रखना है। हमें ये देखना है, सोचना है कि जिस इंसान से मैं 5-6 दिनों पहले के अंदर मिली हूँ उनसे मेरा कॉन्टैक्ट कितनी देर रहा है, 15 मिनट से ऊपर रहा है क्या नहीं रहा है। अगर मुझे लग रहा है वो कॉन्टैक्ट सिग्निफिकेंट था तो मुझे अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, मुझे अपने आप को लोगों से अलग रखना चाहिए, घर में भी और बाहर भी, हो सके तो मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे अपनी टेस्ट करवा लेनी चाहिए डॉक्टर से बात करके। अगर मैं टेस्ट, डॉक्टर कहते हैं कुछ दिनों तक आप टेस्ट रोक दीजिए, तब तक कि जब तक टेस्ट ना हो तब तक आप घर रहिए, लोगों से दूर रहिए, हो सके तो अपने अलग से रूम में रहिए और किसी और के संपर्क में ना आए। अपने कपड़े, अपने बर्तन हम खुद ही धोने चाहिए उस वक्त। अगर टेस्ट नेगेटिव आती है स्टिल आपको अपने आप को 14 दिन तक क्वारंटाइन रखना है और सिम्टम्स क्या आते हैं ये देखना है, बिकॉज कभी कभी टेस्ट कोरोना होते हुए भी नेगेटिव आ सकती है, इसको फॉल्स नेगेटिव हम बोलते हैं। अगर सिम्टम्स नहीं है तो लकी है हम लोग, अगर सिम्टम्स आते हैं तो हमें डॉक्टर को फोन करना है या नेशनल हेल्पलाइन या आपकी स्टेट की जो भी हेल्पलाइन है उन्हें फोन करना है और उन्हें आगे की सलाह मांगनी है कि हमें क्या करना चाहिए, घर रहना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। अगर आपको रिस्क फैक्टर है और आपकी उम्र 55 के ऊपर है तो जितने जल्दी आप डॉक्टर तक जाएं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मुझे कोरोना के सिम्टम्स है खुद को तो मुझे, जैसे हमने कहा, लोगों से दूर रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। ये मास्क हमारे वजह से दूसरों को फैलाने में ऑलमोस्ट 50% चांसेस कम कर देगा। अगर हमें खांसी आती है, अगर हमें छींक आती है तो हमारे हाथ में रुमाल होना जरूरी है, भले वो कपड़े का हो या पेपर नैपकिन हो। अगर हाथ में रुमाल नहीं है तो हम लोग ऐसे एल्बो में खांसी या छींक कर सकते हैं, हमारे हाथों में हमारी खांस और हमारी छींक हमें नहीं करना है। हमारे हाथ खांसी या छींक होने के बाद अगर हमें किसी नैपकिन को हाथ लगाया है, वो नैपकिन या तो फेंक दे अच्छी तरह से, किसी का हाथ ना लगे उस जगह पे, और हमारे चेहरे को हाथ ना लगाए जब तक हम हमारे हाथ हैं धो ना ले या सैनिटाइजर से साफ ना कर ले। और एक बात का हमें बहुत जरूरी ध्यान रखना है, हम कहीं भी थूके नहीं, स्पेशली अगर हम बाहर हो, बिकॉज थूकने से ये वायरस बहुत फैलता है और बहुत देर तक वो हवा में रह सकता है। अगर हमें कोरोना की सिम्टम्स है और हमें लगता है हमारे शरीर में ये वायरस है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी तरफ से किसी को ना फैले, ना हमारे घर वालों को, ना हमारी वजह से बाहर किसी और को। हमें ये साइकिल ब्रेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, किसी और की नहीं। अगर मेरी टेस्ट पॉजिटिव आ भी गई तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा, डो नॉट पैनिक। जितना आप सोचोगे, जितना आप स्ट्रेस लोगे, आपकी प्रतिकार शक्ति कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी और आप उसको फाइट नहीं कर पाओगे। 80% लोगों में वैसे भी कुछ होता नहीं है, हम लोग घर पे भी सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए। आइसोलेशन, 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 अपने आप को अलग कर दीजिए घर में या कोरोना केयर सेंटर में, सीसीसी सेंटर्स में जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। आप जिन किसी से 4 या 5 दिनों के पहले संपर्क में आए हो तो गवर्नमेंट के लोग आके आपसे उनकी लिस्ट लेंगे या नहीं भी लेंगे तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको बताएं, ताकि वो लोग जाके उनकी जांच करने की या उन पे ध्यान रखें कि उन्हें भी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। डॉक्टर विल डू द ब्लड टेस्ट। अगर आप किसी डॉक्टर को बताते हैं, वो कुछ ब्लड टेस्ट आप पे रन करेंगे, जैसे हीमोग्राम है, किडनी की जाँच है, लीवर की जाँच है, आपके एक्सरे कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो सिटी स्कैन कर सकते हैं। अगर आप घर रह रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने आपको बताया, आप घर पे ध्यान रख सकते हैं अपना, तो घर में गर्म पानी से गरारे करें, हल्दी डाला हुआ दूध ले, अच्छी तरह से खाएं पिए आप, बिना वजह से क्रोसिन की दवा ना लें। आपको लगता है थोड़ा भी बुखार आ गया, मैं क्रोसिन ले लूंगा मुझे ठीक लगेगा, ऐसा ना करें। हमारे शरीर में कोरोना से या किसी भी वायरस से, इंफेक्शन से फाइट करने के लिए हमारा शरीर खुद होके हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है, ताकि उस वायरस से हम लोग फाइट अच्छी तरह से कर पाए। तो इसलिए हमें क्रोसिन की दवा, जब तक हमारा टेम्परेचर हमारे डिजिटल थर्मोमीटर पे 1 से 2 के ऊपर ना जाए, तब तक हमें क्रोसिन
नहीं लेना चाहिए. डॉक्टर विल स्टार्ट अ फ्यू ड्रग्स फॉर यू. डॉक्टर्स कुछ दवाई शुरू करेंगे जिससे आपका खांसी ठीक रहे, आपको सर्दी ना हो. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डॉक्टर आपको उनके क्लिनिक में एक जांच होती है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, आपकी उंगली में एक छोटा सा मशीन डाल के देखेंगे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन कितना है. अगर ऑक्सीजन ये 94% के ऊपर है तो आप स्वस्थ हैं, आपको सीवियर कोरोना होना के चांसेस कम है. 94 के नीचे आने के बाद हमें ध्यान रखना पड़ता है और हमें शायद हॉस्पिटल में जाना पड़े ताकि हमें ऑक्सीजन की थेरेपी मिल सके. अगर आपको रिस्क फैक्टर है, जैसे हमने पहले देखा है, कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो हमें घर पे इलाज करने के बजाय हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़्यादा अच्छा रहेगा. HCQ नाम की आपने दवा सुनी होगी, ये भी बहुत चर्चे में है, शायद डॉक्टर आपके लिए वो शुरू कर दें. मैं अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाऊं? हमने कहा कि मुझे अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है ताकि मुझे अगर वायरस हो भी तो मैं उसे फाइट करने में ज़्यादा काबिल रहूँ. बैलेंस डाइट, विटामिन डी 60 के, विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं 60 के, वो हमें हफ्ते में एक बार लेना है आपके डॉक्टर की सलाह से. जो खाने के पदार्थ विटामिन सी और जिंक प्रोटीन्स में रिच हो वो हमें खाने हैं. गर्म पानी के हमने ये सब बातें की है. एक्सरसाइज, योगा, स्पेशली प्राणायाम अगर हम करें तो हमारी चेस्ट, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए. हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. जिस भी चीज़ से हमारा स्ट्रेस कम हो, मेडिटेशन हो, हॉबी हो, शेयरिंग हो, म्यूजिक हो, जिससे भी हो, हमारा स्ट्रेस हमें कम रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है कि स्ट्रेस और इम्यूनिटी का बहुत बड़ा संबंध है. अवॉइड वॉचिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ तो बिल्कुल ना देखिए. अगर आपको देखना है कि पूरे दिन में कितने नंबर्स बढ़े हैं, बस एक बार 5 मिनट के लिए देख लीजिए, लेकिन उन नंबर से हमारी ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. फर्क इसी से पड़ेगा कि मुझे हुआ है या मेरे परिवार को हुआ है क्या नहीं हुआ है. ताकि हम अपने आप को बचाएंगे तो हम बाकी को भी बचा पाएंगे. आपके हाथ में कंट्रोल है ये आप सोचिए, यानी आपको कॉन्फिडेंस आएगा. और वह कीजिए जिस पे आपको श्रद्धा है, वो किसी भी चीज जिसको आपको लगता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है लेकिन जिसकी कोई हानिकारक ना हो, वो चीजें आप कर सकते हैं. और सबसे बेस्ट इम्यूनिटी आपकी तब बढ़ेगी जब आप दूसरों की भी कुछ सेवा कर पाएंगे. बिकॉज हमने ऐसे स्टडीज पाए हैं, पीपल हु हेल्प अदर्स हैव बेटर इम्यूनिटी. अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कोरोना को तो हम क्या कर सकते हैं? SMS हमने कहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट, हाथ धोना. अब हाथ तो हम सभी धोते हैं लेकिन सही तरह से हाथ धोने की तरकीब ये YouTube पे या Google पे आपको मिलेगी. ये 8 स्टेप्स में होती है. अगर हमें वक्त हुआ तो हम बाद में इसकी वीडियोस भी बताएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए आपके हाथ आपको कैसे साफ करने हैं. आप सैनिटाइजर भी यूज करते हैं तो बस सैनिटाइजर लगा लिया और ऐसे हाथ कर लिए, इससे साफ की हाथ की सफाई नहीं होती है. इससे आपका हाथ का वायरस नहीं जाएगा अगर लग गया है तो. उसके भी 7 स्टेप्स होते हैं जो WHO ने बताए हैं. इसके सिंपल वीडियोज भी हैं, हम लोग शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ, या फिर आप देख भी सकते हैं जाके. मास्क पहनना क्यों जरूरी है? क्यों कह रहे हैं सब लोग कि आप मास्क पहनिए? क्योंकि मास्क पहनने से कोरोना का जो ट्रांसमिशन है वो ऑलमोस्ट हम लोग 65-75% कम कर सकते हैं. मास्क ये अपने शरीर के कपड़ों की तरह होना चाहिए. मैं कपड़े पहन के बाहर जाता हूँ, उसी तरह बिना मास्क में बाहर नहीं जाऊंगा. ये हमें अपने आप से प्रण कर लेना चाहिए. हमारा मास्क कपड़े का भी हो तो 3 लेयर का होना चाहिए. कल ही WHO ने गाइडलाइंस रिलीज की है कि हमने मास्क कैसा बनाना चाहिए, अंदर की सतह कैसी होनी चाहिए, बीच की सतह कैसी होनी चाहिए, बाहर की सतह कैसी होनी चाहिए. तो वो अगर वीडियो देख के आप मास्क बनाएंगे, घर पे भी बनाए तो भी चलेगा अगर बाहर आपको मास्क नहीं मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं. जब आप मास्क पहनते हैं तो देखिए कि आप पूरा आपका नाक यहाँ तक कवर करें और यहाँ तक आपका मास्क कवर हो. अगर ये कवर नहीं करोगे तो हम लोग वायरस को अंदर जाने से रोक नहीं पाएंगे, या हमारे मुंह से वायरस बाहर फेंकने का जो प्रक्रिया है उसे हम रोक नहीं पाएंगे. बहुत से लोग सिर्फ रुमाल बांधते हैं, दुपट्टा बांधते हैं, स्कार्फ बांधते हैं, साड़ी का पल्लू लगा के आते हैं. ये सही नहीं है, इससे सही तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. आप प्लीज मास्क पहनिए, ये बनाने भी आसान है और महंगा भी नहीं है. मास्क पहनने के बाद आप जब मास्क निकालते हैं
तब निकालते वक्त उसके कपड़े वाले भाग को हाथ ना लगाए, उसके जो इलास्टिक होते हैं जो हमारे कान के पीछे जाए वहां से आप मास्क हाथ निकाले और वैसे के वैसे धो ले, उसे टच ना करें। और अगर आप प्लास्टिक के या वन टाइम यूज के मास्क पहनते हैं तो उसे अच्छी तरह से एक पेपर के बैग में या प्लास्टिक के बैग में डाल के डस्टबिन में डाल दे, यहाँ वहां ना डाले, बिकॉज वो मास्क किसी के शरीर पे लग के उसे तकलीफ हो सकती है, उसे वायरस का ट्रांसमिशन उसमें पहुंच सकता है। हम देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क के कितने अलग अलग तरीके बनाए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा WHO की जो गाइडलाइंस नई आई है, अंदर की सतह, बाहर की सतह, मिडिल सतह, उस हिसाब से मास्क बनाया है। अगर हम मास्क ना पहने तो क्या होगा? जब हम खांसते हैं, जब हम छींकते हैं और जब हम सांस भी लेते हैं तो वायरस कहाँ तक जाता है? खांसते हैं तो ऑलमोस्ट 18 फीट तक वायरस दूर जा सकता है, छींकते हैं तो 7 फीट तक, और हम सांस भी लेते हैं तो वायरस ये 7 फीट तक बाहर जा सकता है, फैल सकता है। तो मास्क पहने के तो ये बहुत कम कर देगा, लेकिन उसके साथ अगर हम लोगों से 6 फीट का डिस्टेंस बनाए रखें, 6 या 7 फीट का, तो ये वायरस हम तक नहीं आएगा। अभी हम लोग ने अनलॉक हो चुके हैं, हम लोग घर से बाहर निकलने वाले हैं। पहले की तरह हम 2.5 महीने जैसे हम घर पे रहे, सिर्फ जरूरी कामों के लिए बाहर निकले, ऐसा नहीं है। और अभी सभी लोग घर के बाहर निकलने वाले हैं। इसमें ऐसा होने वाला है कि बहुत से लोग जिनके शरीर में वायरस है, जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है लेकिन उनको पता भी नहीं है, बिकॉज उनको सिम्टम्स नहीं है, वो भी सब जगह घूम रहे हैं और हमारा संपर्क उनके साथ आ सकता है। तो हमें क्या खबरदारी लेनी चाहिए कि हम अपने आप को बचाए रखें? क्रॉसिंग लक्ष्मण रेखा, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हमारी दरवाजे को हम अपनी लक्ष्मण रेखा बना दे, तो हमने बना ली अपनी लक्ष्मण रेखा, अब इसको हमें क्रॉस करना है। तो बहुत जरूरी काम हो तो ही घर के बाहर जाइए, अदरवाइज ना जाइए। हो सके तो घर से आप काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम। एंश्योर दैट हैव यू नो आपको किसी तरह के कोविड जैसे सिम्टम्स हो तो आप बाहर ना जाइए, घर पे ही रहिए। आपके साथ ये चीजें होना बहुत जरूरी है, जिसे हम कोरोना किट बोलते हैं। आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना और उसका ब्लूटूथ ऐप होना जरूरी है। आप अपने साथ मास्क रखिए, कुछ एक दो मास्क एक्स्ट्रा भी रखिए। हो सके तो आप आपके ग्लासेस या चश्मा पहनिए, ताकि आंखों से भी जो वायरस जा सकता है उससे हम अपने आप को रोक सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर की छोटी सी बॉटल आपके पास रखिए, पेपर सोप या लिक्विड सोप रखिए, क्योंकि कहीं अगर पानी आपको मिल जाता है तो आप अच्छी तरह से अपने हाथ धो सकोगे। पेपर नैपकिन या रुमाल रखिए, और बाहर का खाना इन दिनों में आप टालिए, क्योंकि पता नहीं कैसे बन रहा है, कैसे उसके पैकिंग हो रही है और क्या हम उसको साफ कर पाएंगे। तो अपने साथ हम लोग कुछ दाने हैं, चने हैं, जूस है, ड्राई फ्रूट्स है, ये साथ रख सकते हैं, ताकि बाहर हमें खाने भूख भी लगे, प्यास लगे, तो हम बाहर का ना खाएं। और बाहर जाए तो जहां तक हो सके ऐसी जगह टालिए जहां पे जगह बंद हो, क्राउडेड हो और किसी के नजदीक में हम आए। किसी जगह को, किसी सतह को हाथ ना लगाए, कहीं हाथ लगाए तो वो डायरेक्टली बिना हाथ साफ किए, बिना सैनिटाइज किए अपने चेहरे को ना लगाए, और अपने मास्क को घड़ी घड़ी उसको ऊपर नीचे ना करें। एक बार मास्क लगा दिया है आपने तो ऐसा मास्क लगाए कि आप वापस उसको जब तक घर ना आए वो मास्क निकाले नहीं। वापस जब घर आते हैं तो हमें घर आते वक्त भी कुछ खबरदारी कुछ लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम बाहर जाके आए हैं, भगवान ना करे हमें वायरस लग गया है कहीं से, तो हमारी वजह से हमारे घर वालों को वायरस ना जाए। स्पेशली अगर हमारे घर पे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको कोई हाई रिस्क है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी है, तो हमारी वजह से उनको वायरस ना लगे। तो हम जब घर आए तो पहले फोन करें घर पे कि मैं आ रहा हूँ, दरवाजा खोल के रखे ताकि हम दरवाजे को हाथ ना लगाए। आप अपना मोबाइल, अपनी चाबियां, अपना ईयरफोन, अपना चश्मा एक ट्रे में रख ले और उस पे अल्कोहल सैनिटाइजर स्प्रे कर दे ताकि वो साफ रहे। आप बाहर से अगर कुछ सामान लेके आए हैं तो वो एक जगह, ऐसी जगह रख दे जहाँ पे कोई किसी का हाथ ना लगे, और उस सामान की जरूरत ना हो तो 2 दिन तक वो वही पड़े रहने दे, ताकि वहां ऊपर किसके ऊपर अगर वायरस है तो वो निकल जाए और सूख जाए। अगर उसको जरूरत है और यूज करना है आपको, तो उस बैग को, उस बॉक्स को आप सैनिटाइज करके फिर ही खोले
और फिर उसमें से सामान निकाल के वो सामान भी अच्छी तरह से धो के या सैनिटाइज करके यूज करें। वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग एनीथिंग और एनीथिंग। आप कहीं भी कुछ छूते हैं तो सबसे पहले बाहर से आने के बाद आप बेसिन में जाएंगे और अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेंगे। अगर आप मास्क अपने जो अपने पहना है वो भी धो लेंगे। बहुत देर तक कर बाहर रहे हो, आप भीड़ में रहे हो, ट्रैवल किया है आपने लोगों के साथ, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप नहा ले तो अच्छा है और जो कपड़े आपने पहने हैं वो अच्छे गुनगुने पानी से, साबुन के पानी से धो के आप खुद ही सुखा दे और फिर नहा ले। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस विद एल्डरली एंड एडल्ट्स। घर पे जहां तक हो सके, जैसे मैंने हाई रिस्क पॉपुलेशन कहा है, उनसे डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ये सर्फेसिस हाई रिस्क सर्फेसिस है जिनको हमें घड़ी घड़ी साफ करना है और इन्हें छूने से हमें रोकना है अपने आप को। डोर नॉब्स है, डोर के दरवाजे का बेल है, लिफ्ट के डोर है, लिफ्ट के बटन है, लाइट के स्विचेस है, मोबाइल कंप्यूटर कीबोर्ड लैपटॉप ईयरफोन, ये हमें घड़ी घड़ी साफ करना होगा। रिमोट कंट्रोल है घर का, टॉयलेट है, टॉयलेट सिंक्स है, टैप्स है, यानी जो नल है वो, एनी सरफेस, बाहर कोई भी सरफेस आप जाते हैं वो गंदा हो सकता है वायरस से, ये हो सकता है, इसलिए आप बाहर कहीं भी हाथ ना लगाए बाहर जाते। अगर कहीं हाथ लग जाता है तो हाथ सैनिटाइज करें। बहुत लोग पूछते हैं कि वायरस कितनी देर कहाँ रहता है, तो ये चार्ट आपको दिया हुआ है। पेपर पे 3 घंटे से ज्यादा रह सकता है, कॉपर पे 4 घंटे, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे, ग्लास पे 4 दिन, और सर्जिकल मास्क पे, हम जो मास्क पहनते हैं उस पे 7 दिन तक रह सकता है। इसलिए खुद का मास्क अगर कॉटन का है तो आप इमीडिएटली आके धो लीजिए साबुन के पानी से और सुखा लीजिए धूप में हो सके तो। और अगर आप वन टाइम यूज पहनते हैं तो प्लीज उसे प्लास्टिक या पेपर की बैग में अच्छी तरह से बांध के फिर ही डस्टबिन में डाले। ये हुआ कि मुझे क्या खबरदारी लेनी है, मुझे क्या ध्यान रखना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जहां मैं काम करता हूँ, जहां मैं रहता हूँ, वो सोसाइटी, वो ऑफिस में क्या खबरदारी ली जा सकती है। तो उसके लिए हमें कुछ कमिटीज बनानी पड़ी, कुछ ऐसा इंसान जो इन चीजों का ध्यान रखे। अगर हमारी सोसाइटी बड़ी है, हमारी ऑफिस बड़ी है, हमारे यहाँ पे लोग काम के लिए आ रहे हैं, भले वो वॉचमैन हो या हाउसकीपिंग स्टाफ हो, तो उन्हें हमें देखना है कि वो कंटेनमेंट एरिया से तो नहीं आ रहे हैं। अगर कंटेनमेंट एरिया है तो तब तक उनको वहां से नहीं आना चाहिए जब तक वो डी कंटेनमेंट एरिया ना बन जाए, उसको ओपन ना कर दे। आने वाले हर एक इंसान हमारे साथ जो काम करने वाले हैं उसके साथ उसका फोन में आरोग्य सेतु ऐप है नहीं, ये इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई तकलीफ हो तो उन्हें फोन करके हमें बता देना चाहिए, वो कुछ भी कोरोना जैसे सिम्टम्स हो तो काम पे ना आए। आते वक्त मास्क पहने और उनको हमें मास्क पहनने की, रेस्पिरेटरी हाइजीन की और हैंड हाइजीन की अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना जरूरी है। मास्क अगर हम वो नहीं पहनते हैं, नहीं है उनके पास, तो हमारी तरफ से मास्क प्रोवाइड करना चाहिए हमें। हमारे बिल्डिंग के एंट्री में, ऑफिस की एंट्री में सैनिटाइजर बूथ होना चाहिए, यानी बिना टच किए हम लोग सैनिटाइजर कैसे यूज कर सके वो हमें देखना चाहिए। आप उसके फोटोज में आपको बता सकती हो। अगर हो सके तो एंट्री पे हमें वॉश बेसिन हो तो अच्छा है, ताकि हम लोग अच्छी तरह से आने वाले हर इंसान हाथ धो सके। विजिटर की जो एंट्री बुक होती है बहुत जगह, वहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि विजिटर्स उसमें एंट्री ना करे, जो इंसान वहां पे रखा गया है वही इंसान इसमें एंट्री करे। आने वाले हर इंसान से हमारे वॉचमैन और हाउसकीपिंग स्टाफ को 3 या 6 फीट के डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। सैनिटाइज ऑल द सर्फेसिस, जितने भी जगह है उन्हें हमें 3-4 बार साफ करना चाहिए। हमारे लोग जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी भी सेहत ठीक रहे, इसलिए हमें उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ आने वाले सारे विजिटर्स, ऑफिस में हो या घर में हो या बिल्डिंग में हो, उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं, उन्होंने अपने हाथ साफ किए हैं कि नहीं, आरोग्य सेतु ऐप यूज किया है कि नहीं, या फिर टेम्परेचर चेक हमें अगर करना हो तो वो हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे स्टाफ की हमें हर 3-4 दिन में ट्रेनिंग करनी चाहिए कि वो सही तरह से मास्क यूज कर रहे हैं या नहीं, सही तरह से हाथ धो रहे हैं या नहीं, सही तरह से वो लोग हैंड हाइजीन कर रहे हैं या नहीं, या सर्दी खांसी होते हुए वो क्या अपना ध्यान रखते हैं। हमारी जो लिफ्ट है, लॉबी है,
कॉमन बाथरूम एरियाज हैं जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उसकी हमें दिन में 2 बार साफ सफाई करनी चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। जहाँ हमारे घड़ी घड़ी हाथ लगते हैं वह जगह, जैसे एलिवेटर के बटन्स है, लिफ्ट के बटन्स है, जो हमारे एलिवेटर्स है, जो हमारे हम लोग बोलते हैं कि हैंडल्स है, कॉटन कॉल बटन्स है, टेलीफोन है, इंटरकॉम है, इन्हें हमें दिन में 3 से 4 बार साफ करना चाहिए। अगर मेटेलिक सर्फेस है जहाँ पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर नहीं लगा सकते हैं, ब्लीचिंग सोल्यूशन, तो वहाँ पे हमें अल्कोहल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी हमारे प्रिवाइसिस में कोई खांस ले, छींक ले, तो वो जगह थोड़ी देर के लिए सब लोग वहाँ से हट जाना चाहिए और वहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से वो साफ कर लेनी चाहिए जगह। एक चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए कि कौन सी जगह हमने कितनी देर में साफ की है। आप खुद के रूल्स बना सकते हैं। आइडियली 3 या 4 बार दिन में ये सफाई सब जगह की होना जरूरी है, स्पेशली ये वह जगह जहाँ पे हमारे हाथ घड़ी घड़ी सबके लग सकते हैं। ये जैसे बता रही थी, लिफ्ट में हम लोग नो टच टेक्निक रख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, टूथपिक हो या ईयरबड हो या स्वैब्स हो, उसका हम लोग प्रोविजन हमारी लिफ्ट में कर सकते हैं, ताकि लोग लिफ्ट के बटन को हाथ ना लगाए, लिफ्ट के दरवाजे को हाथ ना लगाए। हम लोग हमारे एंट्री पे बेसिन का की सुविधा कर सकते हैं, कोई भी बेसिन हम लोग बना सकते हैं। कुछ भी नहीं हो तो एक बकेट हम लोग रख के और एक छोटा सा कंटेनर रख के, साबुन रख के हम वहाँ पे काम चला सकते हैं। कोशिश करें कि हमारे बिल्डिंग के लोग या हम लोग जहाँ कम से कम बाहर जाए, बाहर से कोई इंसान आके हमारे सारे बिल्डिंग के लोगों को ये सुविधा पहुँचाए, ये हम कोशिश कर सकते हैं। ये सैनिटाइजर नो टच टेक्निक है कि सैनिटाइजर की बॉटल को हाथ न लगाते हुए पैर से उसका बटन दाब के दबा के हमारे हाथ में सैनिटाइजर आ सकता है। हम जहाँ काम करते हैं या हमारे बिल्डिंग में, हमें ऐसे साइन बोर्ड्स लगा के रखने चाहिए जो ऑनलाइन अवेलेबल है, ताकि हर एक इंसान को घड़ी घड़ी याद रहे कि उन्हें क्या करना है, कैसे रहना है इस कोरोना के युग में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने देखा है कि कोरोना, जब हम लॉकडाउन में थे तब हमारे यहाँ हमारे नेचर ने एक सांस ली थी, खुली सांस ली थी, और हम वो महसूस कर पा रहे थे। हम लोग फिर से हमारे नेचर को खराब ना करें। ये कुछ दिनों पहले के पिक्चर है कि मेडिटेरेनियन जो सागर है, सी है, वहाँ पे अभी से ही मास्क और अभी से ही ग्लव्स उस सागर में जमा होने लग गए हैं। प्लीज, हमारा प्रदूषण हमें रोक देना चाहिए हमारी तरफ से जितना हो सके। दुनिया क्या कर रही है मत देखिए, हम प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं हमें ये देखना है। अगर आपको इस विषय में और कोई जानकारी लेना हो तो सही इंसान से जानकारी लीजिए। इंसान दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा इंसान हो तो सही हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो हमने देखा है। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमने ये सुविधा हमारे फोन पे हमने शुरू की है। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, कभी भी आपको जो टाइमिंग्स दिए उसके अंदर आप उनको फोन कर सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी मिले और आप इससे बचे रहे, और कोरोना हो भी गया तो आप स्वस्थ बाहर आए। शुक्रिया। अर्चना, थैंक यू डॉक्टर मधु। अर्चना, आवाज नहीं आ रही हमारी, नॉट क्लियर। सॉरी अर्चना, यू नॉट क्लियर। ओके, मानसी टेक ओवर। यस मधु, एक क्वेश्चन है। In the morning and in evening, the sneezing comes, but after some time I feel better. So it is corona? No, that could be allergic type of sneezing. सबसे पहले कोरोना में sneezing, नाक के symptoms, सर्दी खांसी, ये बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन सुबह और शाम, यानी आपको ये हमेशा अगर होता है तो ये allergic है, ये कोरोना के symptom नहीं है। कोरोना के साथ आपको फीवर ऑलमोस्ट 80% केसेस में आएगा, आपका गले में दर्द होगा, आपको खांसी हो सकती है, तो आप इस बारे को लेकर डरिए नहीं। There is no any other question. Ghanashyam, is there any hand raised? No, madam. No hand raised. Manasi? Yeah. No questions here. Yes. अगर मैं Manasi, you have to answer this question. Yes.
अगर मैं घर के अंदर ही हूँ तो बार बार हाथ धोना जरूरी है क्या? अगर आप घर के अंदर हो तो भी घर का कोई तो एक या दो आदमी घर के बाहर जाते होंगे आपके वेजिटेबल्स लाने या सब्जी लाने, दूध लाने या कुछ और काम करने के लिए, तो वो घर में आते हैं और घर में बाकी सारी जगह वो भी आफ्टर हैंड वॉशिंग भी वो हाथ लगाते हैं। तो इसीलिए आपको एवरी टाइम बिफोर कुकिंग, आफ्टर कुकिंग, बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, बिफोर यूजिंग योर वॉशरूम्स, आपको आपके हाथ धोने हैं। बार बार तो जितने नहीं धोने हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं तब आपको धोना है या सैनिटाइजर यूज करना है, इतनी बार बार तो धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बिफोर एवरीथिंग आपको, आप कुछ भी काम करते हो तो आपको हाथ उसके पहले धोने ही है। ओके डॉक्टर ज्योति। यस हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हम हाथ हैंड वॉश से धोते हैं और कोरोना इज टेकन केयर ऑफ, तो डिटर्जेंट में कपड़े धोने के बाद वायरस मर जाएगा क्या? डिटर्जेंट में कपड़े धोने के बाद, कपड़े वाला या हाथ वाला? कपड़े वाला इफ देयर। ओके यस यस, हम डिटर्जेंट या कुछ भी जो वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, तो जो वायरस का जो आउटर कवरिंग है वो लिपिड से बना हुआ रहता है, जैसे कि ऑयली टाइप सब्सटेंस से बना रहता है। तो हम जब डिटर्जेंट से कपड़े धोते हैं तो कपड़े के ऊपर जो भी वायरस रहता है उसका जो सरफेस ऑयली है वो डिटर्जेंट से वो डिजोल्व हो जाता है, वहां से वो निकल जाता है। इसलिए यस, आप डिटर्जेंट में थोड़े कपड़े भिगो के रखो, उसके बाद धोना है और अच्छी तरह से सुखाना है, तो डेफिनेटली डिटर्जेंट से वायरस चला जाएगा। ओके डॉक्टर मधु बोलिए। मैं अगर 6 फीट डिस्टेंस बनाए रखती हूँ, मास्क पहनती हूँ और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से 6 फीट डिस्टेंस पे मैं खड़ी हूँ, तो मेरे इन्फेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम है, बहुत ही कम है। सिर्फ इतना देखना है आपने मास्क सही तरह से पहना है, उसे घड़ी घड़ी निकालना बंद नहीं करना है और मास्क को घड़ी घड़ी हाथ नहीं लगाना है। अगर मास्क के बाहरी सतह को आपने हाथ लगाया है तो आपके आप हाथ आपको सैनिटाइज करने हैं, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। ओके डॉक्टर मानसी। मुझे अगर एक बार कोरोना हुआ है और मैं उससे बाहर आ गई हूँ तो वापिस कोरोना का इन्फेक्शन मुझे हो सकता है क्या? तो इसके लिए कोई फाइनल रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। कुछ अभी लेटेस्ट कल की एक जो रिपोर्ट आई है उसमें चीन में कुछ मंकीज के, जो मंकीज को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन उन पे एक रिसर्च हुई है। हाँ, बंदर पे एक रिसर्च हुई है और उनपे तो आया है कि उनमें से कुछ कोरोना लाइक सिम्टम्स उन्हें दिखे है आफ्टर कोरोना एक बार उन्हें हुआ है और फिर उनमें सिम्टम्स आए हुए हैं, लेकिन वो रिसर्च ह्यूमन बींग्स में हुई नहीं है, अभी मनुष्य में नहीं हुई है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि फिर से होगा या नहीं। तो इसके दो पहलू है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो दोनों चीजों में आपको जो भी अभी डॉक्टर मधु ने बताया है, SMS जो बताया है, सैनिटाइजेशन, मास्किंग एंड डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वो आपको फॉलो करने हैं वेदर यू हैड कोरोना और नॉट। ओके डॉक्टर ज्योति। यस, कोरोना ना होने के लिए मैं फूड में और एक्सरसाइज में क्या क्या बदलाव कर सकती हूँ जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़े? ओके तो इम्यूनिटी जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ, अगर आपको इम्यूनिटी अभी तो देखा जाए, अगर मुझे कोरोना नहीं हुआ है तो मेरे शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी 0 है। अगर मुझे कोरोना वायरस से फाइट करना है, मेरे जो शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ाना है, तो मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। और इम्यूनिटी के लिए बोला जाए तो 3 बात बहुत अच्छी है, जैसे कि न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो जैसे कि हम बोलते हैं ये जो शरीर है जो हम खाते हैं उसी से बनते हैं, इसलिए जो प्रॉपर डाइट है, बैलेंस डाइट होना चाहिए।
जैसे कि जो प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, हम लॉकडाउन में घर में बैठे हैं तो ज्यादा भी खाना नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम थोड़ा कम खाना होना चाहिए, आपका खाना 40% आप लेस कर दीजिए, खाने में प्रोटीन्स अच्छा होना चाहिए जिससे एंटीबॉडीज अच्छी तरह से बनने में हेल्प हो सकती है, बैलेंस डाइट में आपके विटामिन्स होना चाहिए, विटामिन्स में विटामिन सी बोला जाए तो विटामिन सी की जो ये एंटी एलर्जिक होता है एंड वो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर होता है, जो सिट्रस टाइप के जैसे कि संतरा नींबू इस टाइप के जो फ्रूट्स है वो ज्यादा होना चाहिए, और उसके साथ विटामिन बी 12 भी होना चाहिए। अभी मधु ने विटामिन डी की भी बात की थी, जो विटामिन डी है वो सनलाइट से हमको मिलता है, और ये जिंक जो है जो सब नट्स में रहते हैं पल्सेस में रहते हैं, अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो एग्स और जो फिश लाइक जो फूड है उसमें ज्यादा जिंक रहते हैं, तो ये जो जिंक प्रोटीन्स विटामिन सी उसका सबका बैलेंस होना चाहिए, टाइम टू टाइम स्लोली खाना होना चाहिए। ये हुई खाने की बात, हम उसके बारे में और डिटेल में बता सकते हैं लेकिन अभी टाइम कम है। आपने जो एक्सरसाइज की बात की है तो फिजिकल टाइप के एक्सरसाइज या हमारे आयुष मंत्रालय ने भी बोला है कि आप प्राणायाम करो योगा करो, अब हम जिम में तो नहीं जा सकते हैं लेकिन घर पे ही हम योगा कर सकते हैं, अगर अभी थोड़ा अनलॉक हुआ है तो हम वॉकिंग साइकिलिंग ऐसा जो इंडिविजुअल जो गेम जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज अभी बैठने से क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन, एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जो शरीर के ब्लड में जो भी जो हम फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बढ़ना है या व्हाइट ब्लड सेल है उनका सर्कुलेशन हमारे शरीर में अच्छा होना चाहिए, तो हम अगर योगा करें तो उससे हमारी इम्यूनिटी और भी बढ़ जाएगी, प्राणायाम से हमारे ये जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं तो उससे हमारा लंग्स का अच्छा होना, प्राणायाम ये बोलता है ये श्वास का आयाम है, श्वास का आयाम है, इसलिए प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, लेकिन बॉडी को ज्यादा एग्जॉस्ट मत करो, ज्यादा एग्जॉस्ट करने से हमारी बॉडी में और इम्यूनिटी कम होने के चांसेस है, तो प्रॉपर एक घंटा सुबह अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेते तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप अच्छी तरह से कोरोना से फाइट कर सकेंगे। अच्छा ना मुझे ऐड करना है कुछ। ओके मैं बोल दूं? या तो जो डॉक्टर ज्योति ने बताया उसमें दो चीजें मैं बोलूंगी, एक तो आपके बॉडी की आयरन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रेश फूड खाना ही है और डेट्स खाने हैं आपको, और दूसरी चीज है कि आप अभी सभी हम लोगों की पिछले 2 महीने से हमने मूवमेंट थोड़ी रेस्ट्रिक्ट की है, हम लोग ज्यादा बैठा हुआ काम करते हैं, जैसे अभी हम 1 घंटे से बैठे हुए हैं स्क्रीन के सामने, तो ऐसा जो ज्यादा बैठे हुए काम करते हैं मूवमेंट थोड़ी कम की है, तो हमें अपने वजन पे भी ध्यान रखना है, तो हाई कैलोरी फूड ज्यादा ऑयली फूड फ्राइड फूड हम जितना अवॉइड कर सके उतना करेंगे, न्यूट्रिशियस और स्क्वायर मील जितना खा सके उतना खाएंगे, और जैसे डॉक्टर ज्योति ने बताया कि एकदम अच्छे वाले एनवायरमेंट में हम खाना खाएंगे। ओके थैंक यू ओके डॉक्टर मधु कोरोना एडल्ट्स में और कोरोना चिल्ड्रन में लाइक बिलो 15 इयर्स ओल्ड इसमें प्रेजेंटेशन में कोई फर्क होता है क्या, और चिल्ड्रन्स में कोरोना इज इट डेंजरस और इट इज सेम एज एडल्ट्स? लकीली कोरोना वायरस ये बच्चों में इसका प्रादुर्भाव बहुत ही कम देखा गया है, इसका कोई स्ट्रक्चरल साइंटिफिक रीजन है कि कोरोना जो इन्फेक्शन करता है वो हमारे शरीर के एस टू इनहिबिटर्स पे करता है जहाँ से एंट्री होती है उसकी, बच्चों में ये इनहिबिटर्स कम देखे गए हैं इसलिए बच्चों में ये वायरस प्रभाव भी कम है, और अगर हुआ भी तो उन्हें सिम्टम्स बहुत ही कम है, बहुत कम बच्चों को पूरी दुनिया में वेंटिलेटर पे लिया गया है, अदरवाइज बहुत से बच्चे अपने आप बिना कुछ दवाई लिए ठीक हुए हैं, तो बच्चे सेफ है हमारे। ओके डॉक्टर मानसी कोरोना इन्फेक्शन में फ्रीक्वेंटली बॉडी टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा मॉनिटर किया जा रहा है डॉक्टर्स में या सोसाइटीज में, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए?
तो अभी डॉक्टर मधु ने आपको बताया कि आपको पहले वो चीज उसने आपको सलाह दी है कि आपको क्रोसिन ऐसे ही नहीं लेना है कि आपको थोड़ा ठंड लगने लगा है, आपको थोड़ा बॉडी पेन होने लगा है, आपको फीवरिश फील हो रहा है तो आपने क्रोसिन ली है तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुखार आता है दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, तो बॉडी को फाइट करने के लिए हमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए. तो बुखार जो होता है तो हम लोग कोरोना का जो बुखार है वो हम लोग 100.4 यानी 100 के ऊपर आप समझ लीजिए, मान लीजिए अगर 100 के ऊपर आता है तो आपको सावधानी बरतनी है, आपको आपके फैमिली डॉक्टर से सलाह लेनी है, आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन क्रोसिन जैसे मेडिसिन या कोई अपनी जैसे होम कोई केयर आप ले रहे हैं वैसे आपको नहीं करनी है. पहले आपके आपको अपने डॉक्टर को आगाह करना है कि आपको क्या करना चाहिए. दूसरी बात है कि अगर आपके यहाँ पर भी जैसे हमारे महाराष्ट्र में होता है थर्मल स्क्रीनिंग एंड पल्स ऑक्स हर जगह पे चल रहा है, वैसे आपके यहाँ भी अगर होता है तो पल्स ऑक्स का जो भी सैचुरेशन है ऑक्सीजन सैचुरेशन वो आपको इट शुड नॉट बी लेस देन 94 के अगर कम आता है तो आपको उसके आपके डॉक्टर को आगाह करना चाहिए, आपको उसके उन्हें फोन करके बोल देना चाहिए कि मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है, व्हाट शुड आई डू. और जैसे मधु ने बताया आपको पैनिक नहीं होना है कि मेरा 93 आ गया मान लीजिए या आपका फीवर 99 या 100 आ गया तो मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर हैविंग कोरोना. इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपको थोड़ी और सावधानी बरतनी है, आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है, आपको अकॉर्डिंग टू हिज और हर गाइडलाइंस आपको आगे बढ़ना है. सो सैचुरेशन शुड बी लेस देन 94 एंड फीवर शुड बी मोर देन 100. ओके ओके डॉक्टर ज्योति, अभी जून जुलाई में बारिश काफी होगी, तो बारिश के दिनों में जैसे फीवर कफ कोल्ड फ्लू नॉर्मल फ्लू ज्यादा दिखने लगता है, तो कोरोना के दिनों में मॉनसून में हमें क्या खबरदारी लेनी है? या सेम हम लास्ट ईयर में जो बारिश के सीजन में जो लेना है वो तो लेना ही है, और उसके साथ अभी कोरोना की जो मधु ने बोला है SMS डिस्टेंसिंग मास्किंग करना ये तो सब करना ही है. जैसे कि देखा जाए तो जब बारिश में हम भीग के आते हैं तो सर्दी होती है तो गीले कपड़े उतार देना चाहिए, ज्यादा हमको बारिश में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा भी सिंक आती है तो बहुत टेंशन आता है, पैनिक हो जाता है सब लोग. तो हम बारिश में खुद का तो प्रोटेक्शन करना ही है और उसके साथ कोरोना का नहीं होने के लिए भी वो करना है. जैसे कि बाहर का कुछ खाना नहीं चाहिए, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ सकते हैं, और अभी बोला जाता है कि कोरोना के साथ मलेरिया है, डेंगू है, लेप्टोस्पायरोसिस है, ये सब बीमारियां आ सकती है और कंफ्यूज होना हो सकता है सब डॉक्टर्स में. ये इसके लिए हम तो पहले जो बोलते हैं बारिश में बाहर का खाना या ये अवॉइड करो, बारिश में मत भीगो, प्रोटेक्शन करो. जो अस्थमा वाले पेशेंट है उनको जब क्लाउडी सीजन रहता है तो अस्थमा का अटैक ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, उन्होंने भी खबरदारी लेना चाहिए. घर में बैठ के जितना हो सके वो वुलन कपड़े पहनना चाहिए, और जो भी कुछ जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या इस सीजन में क्या होता है हमारा जो डाइजेशन पावर है वो वीक हो जाता है, हम उसको अग्निमान बोलते हैं. इसलिए खाना ठीक से गर्म खाना खाना चाहिए, गर्म पानी हम इस्तेमाल किए तो भी हमारा अग्नि अच्छा रहता है और सर्दी और खांसी होने के चांसेस कम होते हैं. गार्गल्स की कर सकते हैं आप, जो हम जैसे कि बोलते हैं घर में जो घरेलू उपाय है वो भी हम करते हैं तो उससे भी सर्दी खांसी जल्दी ठीक होते हैं. लेकिन ये ध्यान में रखना है ये सर्दी खांसी बारिश के वजह से है, ऐसे सोचकर हम कोरोना हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए और आपके डॉक्टर्स फैमिली डॉक्टर्स को तुरंत ही आप जाके उनसे कंसल्ट करना चाहिए. अर्चना okay. अर्चना मुझे और भी पॉइंट इसमें भी ऐड करना, तो वो दो पॉइंट ऐड करने हैं. पहले हमें बारिश में दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है अदर देन कोरोना. वन इज वाटरबॉर्न डिसीजेस, पानी गंदा आता है तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा डिसीजेस होते रहते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है. और दूसरा ध्यान में रखना है कि मच्छरों से जो भी मस्कीटो रिलेटेड डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू, तो वो दोनों चीजें हमेशा भारत में हमारे देश में बढ़ती है इस सीजन में, तो इन दोनों चीजों को भी ख्याल रखना है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया में भी फीवर आता है
और वाटरबोर्न डिसीजेस है जैसे डायरिया, उसमें भी जैसे दस्त होते हैं उसमें भी उल्टी या एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, और कोरोना में भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स या उल्टी आ सकती है। तो आपको कुछ भी हो तो आपको सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करनी है, बेटर आस्क योर डॉक्टर एंड टेक केयर। ओके ठीक है डॉक्टर मधु। अब हम लोग काफी उलझन में हैं कि डोमेस्टिक हेल्प हाउसमेड को घर में लाना है नहीं लाना है, और अगर लाते हैं तो क्या खबरदारी लेनी है। अभी सब कुछ खुल गया है, लोगों को काम पे जाना पड़ रहा है, शायद घर की औरत को भी बाहर काम पे जाना होगा, तो ऐसे में हमारे साथ जो हमें मदद करती थी वो उससे हम लोग बहुत बिल्डिंग वाले बोल रहे हैं कि उनको अलाउ नहीं करना है, पर हमें ठीक तरह से सोचना होगा कि जब सब कुछ खुल गया है तो उन्हें ही रोक के क्या फायदा, हम भी तो बाहर जा रहे हैं, हम भी लोगों से मिल रहे हैं और हमारी वजह से ही तो वायरस अंदर आ सकता है, और जितना हमें डर है कि उनकी वजह से हमारे घर वायरस आएगा, हो सकता है हमारी वजह से उन्हें भी तो लग सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी प्रैग्मेटिक इन दिस। लाते वक्त कुछ खबरदारी रखनी है, सबसे पहले वो कंटेनमेंट एरिया से है या नहीं है ये देखना है, उन्हें भी आरोग्य सेतु ऐप, मास्क, हेल्थ हाइजीन, हैंड हाइजीन, ये सब ध्यान रखना है। आते वक्त डोरबेल ना बजाए इसका ख्याल रखना है। आते ही जाते बाथरूम में जाए अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें, मास्क अच्छी तरह से उनका नहीं पहना हो तो हमारी तरफ से एक नया मास्क दे दे ताकि हमें शांति हो कि उन्होंने अच्छी तरह से मास्क पहना है। घर में वो झाड़ू निकालना, पोछा मारना, कपड़े धोना, बर्तन करना, ये सारे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे काम पानी के साथ होते हैं, साबुन के साथ होते हैं, तो वायरस वैसे भी उसमें रहेगा नहीं। डर है आपको मन में तो कपड़े सुखाने के बाद उसको हाथ मत लगाइए, दूसरे दिन तक रहने दीजिए, धूप में सूख जाएगी, उसके बाद आप खुद होके कपड़ों की गड़ी डालिए, उसे मत दीजिए काम। फर्नीचर साफ करने का काम उसे मत दीजिए। अगर आपको डर है कुकिंग का भी काम उसे मत दीजिए, लेकिन वैसे देखने जाओ तो अगर कोई भी चीज गर्म बन रही है उसके हाथों से हो रही है तो गर्म चीज में वायरस रहेगा नहीं। अपने हाथों का वहां ध्यान रखती है, मास्क पहनने का ध्यान रखती है, हाथ बीच बीच में धोती रहती है, तो हमें कोई डर नहीं है कि उसकी वजह से हमें हो। इनफैक्ट हमें उसका ख्याल रखना चाहिए कि उसके घर पे सही तरह से राशन है नहीं है, उसे जो हम लोग अपने शरीर की तकलीफ को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले रहे हैं हमने उसे भी ऑफर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सब कुछ खुल गया है तो उन्हें भी काम की जरूरत होगी, उनके घर पे पैसों की जरूरत होगी, उन्हें हमें घर पे आने देना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। सिर्फ ये है कि वो जब आए तो हमारे घर पे अगर 60 के ऊपर कोई बीमार, 60 के ऊपर हमारे बुजुर्ग लोग हों उनसे दूर रखें, और किसी को हाई रिस्क फैक्टर हो तो उनके नजदीक ना जाए, 6 feet डिस्टेंसिंग घर में बनाए रखें, दैट्स ऑल। ओके डॉक्टर ज्योति। यस। न्यूज़पेपर काफी जगह पे फिलहाल बंद है, तो न्यूज़पेपर घर पे लाना चाहिए या नहीं, और करेंसी नोट्स को कैसे हैंडल करना है। ओके एक्चुअली WHO की जो भी गाइडलाइंस है उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि न्यूज़पेपर ये कोरोना फैलाता है, लेकिन ये कैरियर हो सकता है, जैसे कि न्यूज़पेपर जो भी लड़के डालते हैं मे बी वो पॉजिटिव हो सकता है, उनको कॉन्टेमिनेशन से न्यूज़पेपर से कोरोना अंदर आ सकता है, लेकिन आप ऐसा प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जैसे वो न्यूज़पेपर वाले बॉय को बोले कि गेट पर ही न्यूज़पेपर छोड़ दे जाए, फिर दोपहर के बाद आप ला सकते हैं घर में, थोड़ा सैनिटाइज भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अल्कोहल का स्प्रे लगा सकते हैं, उसके बाद जब भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मे बी उसमें अगर वायरस है तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम भी आप मास्क यूज करते तो और प्रोटेक्शन मिल जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको हाथ धोना जरूरी है, उससे भी कॉन्टेमिनेशन के चांसेस ज्यादा कम होते जाएंगे, और न्यूज़पेपर ठीक से आप रख देना चाहिए, ऐसी जगह पे रख देना चाहिए कि जिसका कुछ हाथ बार बार नहीं लगना चाहिए। दूसरी जो आपने करेंसी नोट की बात की, तो करेंसी नोट जो पेपर है, ऐसे बोला गया है कि जो पेपर पे
कम देर तक वो रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा अर्जेंट जरूरी नहीं है तो आप करेंसी नोट वैसे ही एक बॉक्स या एनवलप करके उसमें रख देना चाहिए, उसको एक दिन आप हाथ मत लगाओ। लेकिन अगर अर्जेंटली आपको उसको यूज करना है तो मे बी थोड़ा हीट कर सकते हैं, या कुछ बोल जाते हैं कि आयन कर से करने से भी होता है, लेकिन इतना जरूरत नहीं है। जब भी आपको हैंडलिंग करना है तो आप ग्लोव्स यूज करो, और नोट्स का हैंडलिंग होने के बाद अच्छे तरह से आपको हैंड वॉश करना होना चाहिए। ओके डॉक्टर मधु, लास्ट क्वेश्चन, कोरोना के लिए टेस्ट कौन से है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कौन से टेस्ट करेंगे? ये दो तरह की टेस्ट है, एक स्पेसिफिकली कोरोना के लिए और एक की कोरोना की वजह से बाकी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, किडनी में, लीवर में या चेस्ट में क्या हुआ है वो देखने के लिए। स्पेसिफिकली कोरोना के लिए हम लोग RT-PCR नाम की जांच करते हैं कि जिसमें हमारे थ्रोट से लंबे ईयरबर्ड की तरह जो रहता है उससे हमारा सैंपल लिया जाता है और उस पर RT-PCR रन किया जाता है। ये टेस्ट यूजुअली हमारे इन्फेक्शन होने के 5 दिन के बाद करनी चाहिए और 14 दिन के अंदर करनी चाहिए, हो सके तो 5 और 10 दिन के अंदर ही डॉक्टर आपको ये टेस्ट बताएंगे। अगर मैं ये टेस्ट करती हूँ और नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सिम्टम्स होते हुए मुझे कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, बिकॉज ये टेस्ट का ये प्रॉब्लम है कि 30% ऑफ द केसेस में ये फॉल्स नेगेटिव आती है, इसका मतलब कोरोना होते हुए भी टेस्ट में नहीं आता है। तो हमें टेस्ट नेगेटिव है तो कोरोना नहीं है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी खबरदारी लेते रहना चाहिए, वापस 3 या 4 दिन से टेस्ट रिपीट करना चाहिए। हमने बीच में एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में भी सुना है कि कुछ एंटीबॉडी टेस्ट आ रही है, वो टेस्ट कोरोना की जांच के नहीं है, वो गवर्नमेंट ने टेस्ट निकाली है ये देखने के लिए कि हमारी सारी पॉपुलेशन में, जनसंख्या में कितने लोगों को कोरोना हो चुका है ये देखने के लिए, तो वो टेस्ट हमें जांच के लिए, पर्सनल डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं कर रही है। बाकी जो टेस्ट डॉक्टर रन कर सकते हैं वो है हीमोग्राम, यानी आपके खून में आपकी जो सफेद पेशियां हैं व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कितने बड़े हैं कितने कम है वो देखने के लिए, आपकी लीवर की जांच हो सकती है, आपकी किडनी की जांच हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक्सरे या सिटी स्कैन हो सकता है कि आपको निमोनिया तो नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितना बड़ा है वो निमोनिया। ये छोड़ के बाकी हॉस्पिटल्स में काफी तरह की जांच होती है, पर बेसिकली ओपीडी लेवल पे ये जांच की जाती है। ओके डॉक्टर मधु, अभी क्वेश्चंस तो खत्म हो गए हैं, तो आपको कुछ ऐड करना है नहीं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं। या बेसिकली मेरा लास्ट वर्ड ये रहेगा, हम लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं इनफैक्ट, कि हमने ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी कि जिसकी वजह से सारी दुनिया हिल गई हो, सारी दुनिया घर बैठी हो, सारी दुनिया ऐसे डर गई हो। तो इससे हमें कुछ सीखना भी चाहिए। कोरोना बहुत दर्द लेके आया है, लेकिन बहुत अच्छी हमें कुछ चीजें सिखा कर भी जा सकता है अगर हम सीखना चाहें तो। अगर हमने इस कोरोना की वजह से हाथ धोने की आदत लगा दी सभी ने, तो हम सिर्फ आगे कोरोना से नहीं बचेंगे, कोई भी वायरस की बीमारी हो जो नाक से फैलती है, रेस्पिरेटरी वायरस हो, इंफ्लुएंजा हो, टीबी हो, यहां से हम बच सकते हैं। हाथ धोने से हम जो डायरियल डिजीज, दस्त की बीमारी होती है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, जिस हाथ में गंदगी की वजह से फैलते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। लाखों बच्चे इस बीमारी से हर साल भारत में मरते हैं। अगर ये आदत, एक आदत, हाथ धोने की आदत हम इस कोरोना की वजह से सीख ले, तो शायद हम लाखों जिंदगियां लाखों साल तक बचा पाएंगे। ये हुई हाथ धोने की सीखने की, हमारी हमने सीखना है। दूसरा है कि हमने देखा ये वायरस जो है ये अचानक से नहीं आया है, ये 4 महीने या 5 महीने पुराना वायरस नहीं है। ये वायरस क्यों आया है ये देखना है, ये वायरस कहाँ से आया है ये देखना है। आपको सबको अब तक पता होगा कि ये वायरस वुहान नाम के एक शहर से आया है जो चाइना में है, और वहां पे बैट्स नाम के एक जानवर से आया है। ये बैट्स हमारे शरीर में कैसे आ गया? हम लोग पेड़ काटते हैं,
जो जंगल के जानवर होते हैं उन्हें अपने खुद की हक की जगह नहीं मिलती है, तो वो शहरों में आते हैं, गांव में आते हैं। उनका वायरस हमारे शरीर में आता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर हम पर्यावरण की हानि करेंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं घूम के, अभी नहीं तो सालों बाद, हम तक वापस आएगा ही। पर्यावरण और इंसान, इसका नाता बहुत बहुत गहरा है। दोनों अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो ये वायरस से हमें सीखना चाहिए कि हम लोग अपने साथ अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखें। अपनी वजह से एयर पोल्यूशन ना हो, अपनी वजह से वाटर पोल्यूशन ना हो, अपनी वजह से नॉइस पोल्यूशन ना हो, अपनी हम लोग कम से कम प्लास्टिक यूज करें, वन टाइम प्लास्टिक यूज ना करें। ये चीजें अगर हमने सीख ली तो शायद कोरोना इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी गॉट टू चेंज आवर लाइफस्टाइल्स। पहली बार हमने अपने आप पे ध्यान दिया है, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने इम्यूनिटी पे। हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक से मरते हैं लेकिन वो चेंजेस नहीं लाए हैं। शायद कोरोना की वजह से सीख ले हम लोग कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फैमिली। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा से खुशी नहीं मिलती है, बहुत अलग चीजें हैं जो पैसे बाय नहीं कर सकती है। शायद हम लोग ये सीख ले इस कोरोना से, तो आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब। थैंक यू। Okay. मुझे बोलना हाँ, बोलो ना डॉक्टर मानसी। तो मुझे दो चीजें बोलनी है, जो मधु ने बोला है तो वो तो आपको ध्यान में रखना है, और दो चीजें ध्यान में रखनी है कि अभी तक कोई वैक्सीन उस पे नहीं निकला है और शायद अगले 6 महीने में नहीं भी आएगा। जो भी न्यूज आ रही है, ठीक है वो आ रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वैक्सीन के लिए खबरदारी बरतनी होती है। तो मान लेना है हमको वर्स्ट की 6 महीने अभी तक तो नहीं आएगा वायरस वैक्सीन। एंड सेकंड थिंग कि अभी जैसे स्वाइन फ्लू के लिए कोई मेडिसिन निकली गई है कि टैमीफ्लू दे सकते हैं, वैसे अभी तक तो कोई कोरोना के लिए मेडिसिन नहीं निकला है कि ये तो एक मैजिक पिल है, मैजिक ड्रग है और इससे कोरोना से हम बच जाएंगे। तो हमारे हाथ में जो भी चीजें हैं जो डॉक्टर मधु ने बताई है, वो हमें अगले 6 महीने के लिए कम से कम करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, कोई भी काम नहीं है तो घर के बाहर मत निकलना है, घर के बड़े बुजुर्गों को ख्याल रखना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ का, बच्चों के हेल्थ का ख्याल रखना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है। तो जो भी ये चीजें हैं कोरोना ने हमें सिखाई है, वो हमें सीख लेनी है, वो मान लेनी है और उससे उसकी हमें आदत डालनी है, तभी हम इससे आगे चल पाएंगे। और आगे हम मतलब अभी हमारे हम एक पेशेंट नहीं हो, मतलब हमें कोरोना नहीं हो, इससे भी हम हेल्थ सिस्टम के जो भी प्रेशर आया है पूरे भारत में, आज हम पहले 5 में आ गए हैं। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो मुंबई ने चीन का भी जो भी आंकड़ा था, जो भी नंबर था, उसको क्रॉस कर दिया है। तो वो हमारे हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो हम अकेले अकेले हम बचे उनसे, कोरोना से बचे, तो हमारे हेल्थ सिस्टम पे हम ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको खुद को सावधानी बरतनी है, आपके फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, आपके पास पड़ोस के लोगों को, आपको सबको ये चीजें जो हमने आज बताई आपको उन्हें बतानी है। धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर मधु आपके टॉक के लिए। थैंक यू डॉक्टर मानसी एंड डॉक्टर ज्योति क्वेश्चन एंड आंसर्स आंसर करने के लिए। एंड आई थैंक मिस्टर घनश्याम एंड वाइट कोट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, हमारे मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन के टेक्नोलॉजी पार्टनर पार्टनरशिप के लिए। हिंदी इज लिटिल डिफिकल्ट, सॉरी। Thank you, audience, for attending the webinar. I hope it has helped you. It has. We have answered your questions. Thank you. Thank you, Dr. Archana. Thank you, Dr. Thank Archana. You. Thank you. Thank you. Okay. Thank you to all. Bye. Yes. Bye.